सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पबजी पुजारी। तो आज हम आ चुके हैं आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फीचर के बारे में जो आपके गेमिंग को बहुत ही बेटर बना देने वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये फीचर इनेबल करने के बाद आपका गेमिंग इतना बेटर हो जाएगा कि आप किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों में से ऐसे बहुत से बंदे होंगे, जब सामने एनिमी भाग रहा होता है और हम जब उसे शूट करते हैं तो हमारा निशाना सही नहीं लगता है और कई बार इस कारण हमारे हाथ से एनिमी मिस हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, जिनके साथ ऐसी दिक्कत आती है, जो कई बार अपने हाथ आए किल को खो देते हैं। अगर ये वाली सेटिंग कर ली आप लोगों ने दोस्तों, तो आपके साथ ऐसा दोबारा नहीं होगा, आपके सामने से एनिमी बच के नहीं जा पाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कौन सा वो फीचर है और उसके फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, जो आपके गेमिंग को बेटर बना देगी बहुत ही। तो गाइस, उस फीचर का नाम है एम असिस्टेंट। और ये कैसे वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक एक करके। इस फीचर को इनेबल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आ जाना है सेटिंग वाले पेज पे, और सेटिंग वाले पेज पे आने के बाद एडवांस कंट्रोल में आ जाना है और फिर आपको अपने स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करना है दोस्तों। नीचे आपको एम असिस्ट लिखा हुआ ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है दोस्तों। सो बेसिकली एम असिस्ट होता क्या है, एम असिस्ट हेल्प करता है आपके एम को टारगेट के हेड पे ले जाने के लिए। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आखिर एम असिस्ट होता क्या है। काफ़ी लोगों का ऐसा लगता है कि एम असिस्ट आपके एम को इम्प्रूव करता है, तो नहीं दोस्तों, एम असिस्ट का काम ये होता है कि वो आपके एम को टारगेट के हेड पे ले जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एम ऑटोमेटिक एनिमी के हेड पे चला जा रहा है, ओनली हेड पर, नॉट ऑन बॉडी रेस्ट, सिर्फ हेड पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा क्रॉस हेयर ऑटोमेटिक टारगेट के हेड पे जा रहा है। हमारा एनिमी इतना मूव कर रहा है फिर भी क्रॉस हेयर उसके हेड पे ही जा रहा है। एम असिस्ट आपके टारगेट को लॉक कर देता है दोस्तों, जिसके मदद से आपका हेड शॉट लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इससे आपका एनिमी के मिस होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली एम असिस्ट का काम। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कितने भी दूर फायर करेंगे तो ये अपने आप एनिमी को कैच कर लेगा आपका टारगेट। इसकी भी रेंज होती है दोस्तों, 1 से 1.5 मीटर के अंदर अगर आप फायर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपके एनिमी को कैच कर लेगा और उससे टारगेट करेगा। अगर आप 1 से 1.5 मीटर के रेंज में फायर करते हैं दोस्तों, तो ही आपका एम हेड पे लेके जाएगा। कुछ गन्स में एम असिस्ट बहुत ही ज़्यादा फास्टली काम करता है तो कुछ गन्स में बहुत ही स्लो काम करता है दोस्तों, क्योंकि एम असिस्ट का फ़र्क स्कोप पर भी पड़ता है दोस्तों। तो स्कोप्स की जो बेस्ट वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप TPP में विथ नो स्कोप खेल रहे हो और आपका एम असिस्ट ऑन है तो आपका एम असिस्ट 95 to 100% तक वर्क करेगा, और FPP में 85 to 90% तक वर्क करेगा, यानी कि TPP से कम वर्क करेगा। रेड डॉट होलोग्राफिक में ये 50 to 55% तक वर्क करेगा और बिना स्कोप के ये 100% तक वर्क करेगा दोस्तों। 2x स्कोप में 30 to 35% तक वर्क करेगा, 3x स्कोप में 20 to 25% तक वर्क करेगा, 4x स्कोप में 15 to 18% तक वर्क करेगा, 6x स्कोप में और 8x स्कोप में ये सेम वर्क करेगा 10 to 13% तक। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि एम असिस्ट वॉल के थ्रू भी काम करता है, बट अगर वॉल ज़्यादा मोटी हो, ज़्यादा थिक हो, ये वहाँ पे काम नहीं करता है। अगर वॉल 1 से 2 सेंटीमीटर की हो तो ही ये वहाँ पे काम करता है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, अगर आपके सामने दो बंदे हो और जिसकी लो HP हो, जिसका हेल्थ कम हो, एम असिस्ट उस पर पहले जाएगा। अगर मान लो सामने वाले बंदे के पास लेवल 2 का हेलमेट है और उसके बगल वाले बंदे के पास लेवल 3 का हेलमेट है, तो आपका एम असिस्ट पहले लेवल 2 वाले बंदे पर जाएगा। अगर हम एम असिस्ट को ऑफ कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको खुद के स्किल्स के अकॉर्डिंग आपके एम को टारगेट के हेड पे ले जाना पड़ेगा आपको,
यानी कि आपका एम अपने आप टारगेट के हेड पे नहीं जाएगा दोस्तों, आपको अपने स्किल के हिसाब से अपने टारगेट को किल करना है दोस्तों। सो गाइस, अब तक हमने जो बात किया वो था एडवांटेजेस के बारे में, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इसके डिसएडवांटेजेस के भी बारे में। सपोज आपके सामने दो बंदे हो तो आपका एम ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट हो सकता है और आपको सामने वाला बंदा मार सकता है। बट अगर आपका एम असिस्ट ऑफ है तो आप अपने मन से जिस पे चाहें उस पे टारगेट करके पहले उसे किल कर सकते हैं। अगर ये आपका एम असिस्ट ऑन है तो ऑटोमेटिक किसी भी एनिमी पे पहले जा सकता है। सो गाइस, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। आप लोगों में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे ऑन रखें या ऑफ रखें। तो गाइस, मैंने आपको दोनों बता दिया है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या रखना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ दिन इसको ऑन करके खेल के देखें, हफ्ता दो हफ्ता, और कुछ दिन इसको ऑफ करके खेल के देखें। फिर आपको जो बेटर लगेगा आप उस तरीके से खेल सकते हैं। अगर मैं सजेस्ट करूं तो दोस्तों, आप इसको हफ्ता 10 दिन ऑफ करके पहले खेलिए, जिससे क्या होगा कि पहले आपका अपने हाथों से एनिमी के हेड पे एम को ले जाने में आपका स्किल्स और भी डेवलप होगा, और फिर जब आप इसको ऑन करके खेलेंगे दोस्तों, तब तो आप बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके होंगे और आपको एनिमीज़ को किल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।